आइए आइए, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू केमिस्ट्री जिंदाबाद। मछली बाजार, सब्जी मंडी, नहीं, किसी पॉलिटिकल लीडर की रैली हो सकती है, बट इसमें तो बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। अरे, ये तो एग्ज़ाम्स है ना, जो हमारे इंडिया में हो रहे हैं विथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए कितनी अच्छी फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रखा जा रहा है, और SOPs का पालन भी हो रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग तो बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रही है? पहले लोगों ने मास्क लगाया नहीं, कोरोना को लाइटली ले लिया कि हमें कोरोना नहीं होगा, और कोरोना ने ईगो पे ले लिया, तो अब वो तो कहर बरपा ही रहा है। लेकिन थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, कितने अच्छे SOPs फॉलो हो रहे हैं, कितनी बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जा रही हैं। अभी एक दो दिन पहले ही एक पोल कंडक्ट कराया टाइम्स नाउ वालों ने। ये था पोल जिसमें क्वेश्चन था कि शुड नीट 2020, जेई मेन 2020 और जेई एडवांस 2020 को पोस्टपोन करना चाहिए कि नहीं। तो 13% जो भी बच्चे थे, पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट हो सकता है पोल में किया हो, इनमें से 12,663 वोट्स आए, और उसमें से लगभग 1,670 लोगों ने कहा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। तो मेरा इनसे एक क्वेश्चन है कि आसाम में फ्लड आ गया, बिहार में फ्लड आ गया, केरला में फ्लड आ गया, कर्नाटका में फ्लड आ गया, मुंबई में बहुत भयंकर बारिश हो रही है, और डिवास्टेटिंग मानसून चल ही रहा है इंडिया में, SOPs किस तरीके से फेल हुई हैं वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और जो एग्ज़ाम्स का कंडक्शन हुआ है स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स का, वो भी फेलियर ही रहा है। रिमोट विलेजेस में कोई सेंटर नहीं है, तो क्या वहाँ कोई बच्चे नहीं हैं? बच्चों का फ्यूचर सिर्फ आपका नहीं है, दूसरे के बच्चों का भी फ्यूचर है, दूसरे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, तो क्या ये बच्चे और इनके माता पिता उनको भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाएंगे? और भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद आपको दिख भी नहीं रही हैं। बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयंकर वाली प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद इन लोगों को नहीं दिख रही है। पोस्टपोन करना चाहिए जेई नीट को, क्योंकि इंडिया जो है वो करेंटली 60,000 केस से तो ऊपर दे ही रहा है डेली, है ना, 65,000 भी जा रहा है, उससे भी ऊपर जा रहा है डाटा, पर 60,000 के ऊपर तब वो कंटिन्यूसली जा ही रहा है। वो भी टेस्ट कितने हो रहे हैं? गिनती के टेस्ट हो रहे हैं, यानी कि 4 लाख या फिर उससे भी कम टेस्ट हो रहे हैं। और इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कोविड केसेस इन अ डे, मतलब एक दिन में जो हाईएस्ट केसेस आते हैं वो अब इंडिया में आ रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ से ऊपर की है, लेकिन एक दिन में टेस्ट कितने हो रहे हैं? सिर्फ 4 लाख। जुलाई और सितंबर के महीनों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ अक्सर ही भारी बारिश होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और उससे वाइड स्प्रेड होता है कुछ कॉमन बीमारीज़ का, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया और दूसरे भी इन्फेक्शन जो कि बॉडी को लेस इम्यूनिटी को थोड़ा सा लेस कर देते हैं। और इस तरीके से वायरस के अगेंस्ट जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म होता है बॉडी का, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ठीक है, तो ये खतरे से खाली नहीं है कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना। और वैसे भी जो इंडिया में पीक आने वाला है, जो ऑब्जर्व होने वाला है पीक, वो सितंबर में, जैसा कि बहुत सारे बिग इंस्टीट्यूशंस ने भी बताया और रिसर्च लैब्स ने भी बताया। रशिया क्लेम तो कर रही है 12 तारीख की ही डेट है जब उन्होंने कहा है कि हमने वैक्सीन बना ली है, लेकिन उनका खुद का मास डिस्ट्रीब्यूशन अक्टूबर में शुरू होगा, तो हमारे पास सबसे जल्दी भी आएगी तो वो नवंबर तक आएगी। फिर हम SOPs का पालन कर रहे हैं, और SOPs के साथ कितना अच्छा एग्ज़ाम हमने कंडक्ट कराया वो हम देख चुके हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स में देख चुके हैं, सब फेलियर ही रहे हैं। KCET हो, KEEM हो, RBSE हो, SSLC हो, या फिर UP BEd एग्ज़ाम हो, हॉस्पिटल्स में जो बेड हैं वो अनअवेलेबल हैं, या फिर अगर अवेलेबल भी हैं तो इतने एक्सपेंसिव है ना कि आम आदमी मिडिल क्लास फैमिली का तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, है ना। जो हाई प्रोफाइल पीपल है वो ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए हमारी कंट्री के, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो गए, दूसरे मिनिस्टर्स हो गए, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, जजेस और एडवोकेट्स, जिनको वायरस ने पकड़ लिया है, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, जो कि इससे अफेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद भी जब हो चुके हैं, तो आम आदमी कैसे अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग कर सकता है? इनके पास तो बड़े बड़े घर होते हैं, ये एक्सपेंसिव हॉस्पिटल बिल्स को अफोर्ड कर सकते हैं, इनके घर बड़े घर हैं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर सकते हैं, ये जहाँ जाते हैं वो सैनिटाइज प्लेस में जाते हैं, फिर भी इनको कोरोना हो गया तो आम आदमी का क्या होगा? अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोल दिया है कि वायरस जो है वो एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और ऑन एन एवरेज अगर आप गूगल करके देखो तो एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं, और मिडिल क्लास पीपल जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग घर में फॉलो नहीं कर सकता, यानी कि अगर किसी एक बंदे को हुआ तो पूरे घर को हो जाएगा।
बिहार, केरला, आसाम, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लड की सिचुएशन है वहाँ पे, उनकी कंडीशंस जो है तो बेटर नहीं होंगी एक महीने के अंदर, जैसा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए ने बोल दिया। 2 दिन पहले उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं पता है कि क्या पिटीशन लगी है कोर्ट में, क्या है कैसा, उनको हमको कुछ नहीं पता, और एक महीने में हालत बेहतर हो जाएगी। भाई नहीं होगी बेहतर, हाई लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस है ही। इतना मासिव क्राउड देखने के बाद जो बच्चों के मन में बहुत हाई लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस है वो तो है ही, और एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड होगा, एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसका खूब स्ट्रांग माइंड होगा वो भी कंसंट्रेट कर सके सिर्फ अपने एग्ज़ाम में। अगर आप चश्मा लगाते होगे और फिर आप मास्क पहनते होगे तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे कि मतलब स्टीम आ जाती है आपको चश्मे से, फिर दिखता ही नहीं, तो हर 5 मिनट में आप एग्ज़ाम में चश्मा तो साफ़ नहीं करोगे ना, तो कैसे आप मतलब एग्ज़ाम देने जाओगे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है, वो भी एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो पाएंगे। कोविड का बहुत ही लाइफ लॉन्ग हार्मफुल इम्पैक्ट होने वाला है हेल्थ में, और जो पीपल इफेक्ट होगा उसका लंग डैमेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एक्सट्रीम हेयर लॉस हो सकता है, और इनफर्टिलिटी जैसे केसेस भी देखने को मिल सकते हैं। जो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की, उन्होंने 2020 को ज़ीरो एकेडमिक ईयर बोल दिया है, तो हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते 70-80 हज़ार डॉक्टर्स को, क्योंकि एक साल को गंवाना मतलब 80 हज़ार डॉक्टर्स को गंवाना, और इंडिया में वैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, तो 80 हज़ार डॉक्टर्स आप एक साल में नहीं गंवा सकते, तो कैंसिल नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम, बट पोस्टपोन तो होनी ही चाहिए। मास्क को लंबे टाइम तक अगर पहने रहते हैं अपन तो उससे इरिटेशन होती है और डिसकम्फर्ट भी होती है, और हो सकता है आप बेहोश भी हो जाओ कई केसेस में, है ना। तो अस्थमेटिक पेशेंट्स का सोचो आप क्या होगा, मतलब उनकी हालत तो बद से बदतर हो जाएगी ना। सिम्टम्स जो हैं वो अनडिटेक्टेड रहते हैं, बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं फिर भी वो कोरोना वायरस को स्प्रेड करते रहते हैं, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे। और अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो ये सब तो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सभी को पता है, लेकिन जिस तरीके से अपने यहाँ के लीडर्स इग्नोर कर रहे हैं तो उससे तो मुझे लगा कि यार इनके पास शायद दिमाग ही नहीं है, या फिर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर अभी जो कल कॉन्फ्रेंस हुई मोदी जी की, हुई चीफ मिनिस्टर्स के साथ, वहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडर था जिसने कुछ ऐसा किया कि मुझे लगा कि नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स के पास भी दिमाग होता है और ये भी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इन्होंने मोदी जी से क्या कहा वो मैं आपको सुनवाता हूँ। इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो भी पुलिस है, आप खुद खुद सुन लीजिए। तो इन्होंने ये कहा कि जो पंजाब में जो भी पीक आने वाला है वो इनका पीक जो है तो वो एक्सपेक्टेड है सितंबर में, और सितंबर में पीक आएगा, और यूजीसी वाले बोल रहे हैं कि 30 सितंबर से पहले आप एग्ज़ाम करा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल ये भी दिया कि हमारे पास मान लीजिए 6 हज़ार सोल्जर्स हैं, तो जिनको अपन ने लगाया हुआ है कि आप कोविड में अपनी ड्यूटीज़ दें, तो उनमें से 1 हज़ार तो जो पुलिस वाले हैं वो खुद ही इन्फेक्ट हो गए, तो फिर कौन काम करेगा। और इन्होंने बोला कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना, तो इन्होंने यूजीसी के लिए नाम लिया, लेकिन नीट जो है वो भी बहुत बड़ी परीक्षा है, और नीट जेई के लिए भी बहुत सारे बच्चे पंजाब से अपियर होते हैं, तो ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी खबर हो सकती है अपने लिए कि इन्होंने आवाज़ उठाई, और बाकी के सीएम भी जो हैं वो इनका सपोर्ट करेंगे, और नीट जेई का फैसला जो है वो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फैसला होने वाला है।
तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट में तो जो याचिका लगी है, जो भी पिटीशन फाइल है, उसका 14 तारीख को आने वाला है फैसला। तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विल प्रोटेक्ट अस। जिस तरीके से मर्डर हुआ है, मतलब मर्डर ही कहना चाहिए, KEAM में, KCET में, UP BEd में, तो उम्मीद करते हैं नेट JEE वालों के साथ HRD मिनिस्ट्री ये सब काम नहीं करेगी। और अब आपसे यही बोल सकता हूँ कि स्टे सेफ, टेक केयर, बाहर कोरोना है तो बाहर मत जाना। बाय बाय।